नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। और आज हमारी क्लास नंबर 13, जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं 8 से 10 क्वेश्चनों की, नेट में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर जो टॉप डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इस सीरीज़ के 12 वीडियो आ चुके हैं। नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस नहीं की है, प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ लिंक है, और वहाँ से सारे के सारे वीडियोज़ एक साथ देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। कंप्यूटर के, आईसीटी के वीडियोज़ भी हैं, कम्युनिकेशन के भी हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के भी हैं, और कॉमर्स वालों के लिए एक खास बात कि उनके दो कोर्सेज उनके लिए अनअकैडमी पे मेरे डाले हुए हैं, जिसमें वो मार्केटिंग पूरी पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस पूरी पढ़ सकते हैं। और पेपर वन वालों के लिए मैंने अनअकैडमी का जो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में, उसमें वो 40 टॉप डिफिकल्टी क्वेश्चन, जो सबसे मुश्किल 40 क्वेश्चन हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेहतरीन तीन कोर्स हैं अनअकैडमी पर, आप देख लीजिए। ऑलमोस्ट आपकी 2.5 घंटे में वो तीनों सीरीज़ कंप्लीट हो सकती हैं अगर आप पढ़ना चाहें। और 2.5 घंटे में आप यकीन मानिए, कम से कम आप नहीं नहीं करते ही 25 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में सही हो जाएं, ऐसा पढ़ लेंगे। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका मार्केटिंग का कोर्स है, और बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर वन के 40 क्वेश्चंस है। नहीं फॉलो किया है तो नवीन साख नाम से आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा आपको। आज की क्लास शुरू करते हैं गाइस। ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल इन इंडिया। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से किसमें भारत में अधिकतम क्षमता है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी या टाइडल एनर्जी? इसे अक्सर लोग गलत कराते हैं सोलर एनर्जी के नाम पे, लेकिन याद रखिए, भारत की जो सबसे ज़्यादा क्षमता है वो है आपकी विंड एनर्जी में, सेकेंड। उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अ डैश इज अप्रॉक्सीमेटली अ मिलियन बाइट्स। एक डैश लगभग 10 लाख बाइट है, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या टेराबाइट? अंदाज़ा लगाइए थोड़ा सा, जो आपकी एमबी है, डेट इज़ मेगाबाइट, वो लगभग 10 लाख बाइट्स के बराबर है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 1024 से, तो वो 10 लाख बाइट्स के बराबर आती है, तो डेट इज़ ऑप्शन नंबर 3। अच्छे क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉट एमिटेड फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जित नहीं है? ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर पॉला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो पॉल्यूटेंट जो है वो प्रदूषक परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जित नहीं किया जा सकता है। दैट द पॉल्यूटेंट इज नॉट एमिटेड फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पे। क्वेश्चन नंबर 4th कहता है, विच इज़ दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर डैट यू कैन फिजिकली टच? इनमें से कौन सा वो हिस्सा है कंप्यूटर का जिसे आप शारीरिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं? तो इजी क्वेश्चन है, देखिए, हार्डवेयर, डिवाइस, पेरिफेरल या एप्लीकेशन। तो हार्डवेयर जो हिस्सा होता है आप उसे टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हिस्से को टच नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉम्पोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन, डेटा संसाधित करने वाले घटक में स्थित है? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट या स्टोरेज कॉम्पोनेंट? जो कॉम्पोनेंट होता है जो प्रोसेस करता है डेटा को, वो लोकेटेड होता है आपका सिस्टम यूनिट में, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इजी क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट आ, निम्नलिखित सभी इनपुट उपकरणों के उदाहरण स्वीकार करते हैं, तो क्या है इनमें से? स्कैनर, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, जो प्रिंटर है वो आपका इनपुट डिवाइस का नहीं है ऑप्शन, क्योंकि बाकी स्कैनर, माउस, कीबोर्ड सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस के ऑप्शंस हैं, और जो आपका प्रिंटर है वो ऑड वन आउट है यहाँ। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर, स्पीकर, सीडी और प्रिंटर। दोनों बात यहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, क्योंकि देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, अब इनमें से कौन सा इनपुट है? तो स्कैनर है, पिछले ऑप्शन में आपने ये देखा भी होगा। बाकी स्पीकर हो गया, सीडी हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे के सारे बच्चों आपके आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। तो बड़ा ही ईजी आंसर था इसका भी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। 2 एनवायरनमेंट से क्वेश्चन उठाए, 5 कंप्यूटर से उठाए, और ऐसे क्वेश्चंस उठाए जो आए हैं पेपरों में। अगर आप देखना चाहें तो ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ इसीलिए मैं क्वेश्चन उठाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है ना बच्चों, वो हाई रहे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि जिस तरह हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप भी ज़रूर किसी की मदद कीजिए। वीडियो को एक लाइक छोड़ दीजिए।
वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर छोड़ दीजिएगा अगर पसंद आए, और कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबा लीजिए। इसी तरह सुबह रोज़ एक क्लास प्रैक्टिस पेपर वन की आती है, और अब मैं प्लान कर रहा हूँ आपके लिए अनअकैडमी पे और लेसन्स लाने की, कॉमर्स का पूरा कोर्स कराने की, पेपर वन का पूरा कोर्स टॉपिक्स के साथ करवाने की, और उसी के साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल पे भी कॉमर्स की एक सीरीज शुरू कर दूँ, जहाँ मैं आपको पहले 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊँ और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।